welcome you all in this evening session for class 10th science important objective questions. अभी 2023 में मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैट्रिक के एग्जाम के लिए, खास के 12 के एग्जाम के लिए साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है. ऑब्जेक्टिव उसे डिस्कस करते हैं, देखते हैं. पहला प्रश्न है आपके सामने कि कार्य का मात्रक है. कार्य का मात्रक क्या होता है, यानी कार्य जो है इसका मात्रक कौन से यूनिट है, इसका जो एसआई मात्रक क्या होता है. तो वाट होता है, न्यूटन होता है, डाइन होता है या जूल होता है. तो कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा जूल. क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जूल. आवेग का मात्रक है, यानी आवेग का मात्रक क्या है, यानी आवेग का मात्रक न्यूटन, डाइन, न्यूटन सेकंड या वाट होता है. तो इनमें से क्या है राइट ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध हैं. तो जो आवेग का मात्रक होगा वो होगा न्यूटन सेकंड. क्या होगा, न्यूटन सेकंड, ये आवेग का मात्रक है. चलिए डिस्कस करते हैं प्रश्न नंबर 3. बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि इनमें से कौन सी अदिश राशि है. अदिश राशि मतलब इसमें दिशा और परिमाण नहीं हो, मतलब एक चीज हो, कोई चीज मतलब के जिसके अंदर दिशा नहीं पाया था. इसमें क्या है कि वो सदिश राशि, सदिश राशि उसे कहते हैं जो मतलब इसमें दिशा और परिमाण दोनों हो. तो अब देखेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा चीज है जिसमें दिशा नहीं पाया जा रहा. बल में क्या दिशा है, विस्थापन में क्या दिशा है, वेग में दिशा है. यहाँ अदिश की बात है, यहाँ सदिश की बात नहीं है, सदिश और अदिश की बात है. तो यहाँ सदिश रहता तो बात अलग है, इसमें कह रहा है कि अदिश राशि इनमें से कोई एक ही होगा. तो बताइए कि इसमें से अदिश राशि कौन है जिसमें दिशा नहीं पाया जाएगा. तो वो होगा घनत्व. क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए घनत्व, डेंसिटी. इसमें एक ऐसी राशि है, एक अदिश राशि है. चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर. प्रश्न नंबर 4 है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है. कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन है, सेंटीमीटर है, स्ट्रेडियन है या मीटर है. तो कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन. क्या होता है, रेडियन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है कि कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है. पास्कल इकाई है. पास्कल किस चीज की इकाई है, ताप मापने की इकाई है, वर्षा का इकाई है, दाब की इकाई है, आर्द्रता मापने की इकाई है, किस चीज के मापने की इकाई है. पास्कल से क्या चीज मतलब कि उसको यूनिट के जरिए हम उसे नाप सकते हैं, ताप माप सकते हैं, वर्षा का है या दाब है या आर्द्रता है. तो पास्कल जो इकाई है वो दाब की इकाई है. इसकी इकाई है, इससे दाब मापा जाता है. क्या नापा जाता है, दाब. कैंडिला किस चीज का मात्रक है. कैंडिला जो है वो किस चीज का मात्रक है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. ज्योति फलस का, ज्योति तीव्रता का, ज्योति दाब का और ज्योति प्रभाव का. तो कैंडिला जो मात्रक है सबको पता है कि कैंडिला जो है किसकी है, ज्योति तीव्रता का है. किसका है, ज्योति तीव्रता का. चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को 7 पे कि निम्नलिखित में से सदिश राशि है, यानी सदिश राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो वो कौन है. द्रव्यमान, लंबाई, वेग, समय, यानी इसमें से कौन सदिश राशि है. तो इसमें से सदिश राशि जो होगा वो होगा आपको वेग. क्या होगा, सदिश राशि वेग होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है. ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि क्या है, निम्नलिखित में से अदिश राशि क्या है, यानी वह राशि जिसमें दिशा नहीं हो सिर्फ परिमाण हो वो कौन है. संवेग है, ऊर्जा है, बल अवगुण है, उपरोक्त में से सभी है. तो ऑप्शन नंबर ए संवेग, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी बल अवगुण, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी. तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऊर्जा. क्या होगा, निम्नलिखित में से अदिश राशि जो है वो क्या है, ऊर्जा है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ.